भगवान राम के अस्त्र शस्त्र। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के बारे में आपने सुना ही होगा। अपनी सरलता और आदर्श व्यवहार से सबके दिलों में छाप छोड़ने वाले भगवान श्री राम के चरित्र और संपूर्ण जीवन काल का वर्णन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में किया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि राम के पराक्रमी होने का वर्णन बार बार किया जाता है, परंतु इस पराक्रम के प्रदर्शन हेतु वो कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल करते थे, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही होगी। यदि आप भी जानना चाहते हैं भगवान राम के उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में जिसका उपयोग कर उन्होंने रावण जैसे मायावी राक्षस को मार गिराया, तो हमारी आज की ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपके लिए ये जान लेना आवश्यक है कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। अस्त्र वह है जिसे मंत्रों के उच्चारण के साथ चलाया जाता है, जैसे पाशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि, और शस्त्र वह होता है जिसे योद्धा हाथ से पकड़कर चलाते हैं, जैसे कि गदा, त्रिशूल, तलवार आदि। भगवान राम एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में कभी युद्ध नियमों का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे बहुत से दानव और दानवी हुए जिन्होंने श्री राम के पराक्रम से ऊपर अपनी मायावी शक्तियों को समझा, जिस भूल का परिणाम उन्हें अपनी जान से चुकाना पड़ा। ये सुन आपके अंदर भी उत्सुकता जग रही होगी कि भगवान श्री राम के ऐसे कौन से दिव्य शस्त्र थे जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वीडियो को आरंभ करते हुए हम आपको बताते हैं भगवान राम के पहले ऐसे दिव्य अस्त्र के बारे में जिसके आगे ताकतवर से ताकतवर असुर टिक नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं श्री राम के पहले दिव्य अस्त्र वज्र अस्त्र की। इंद्र की शक्तियों से निहित ये वाण कोई साधारण वाण नहीं था। गति में इंद्र अस्त्र की तुलना करने वाला ये वाण अत्यंत भयंकर विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर असाधारण शक्तियों वाले शत्रु को निष्क्रिय कर देता था। आपको ये भी बता दें कि इस वाण का उपयोग प्रभु श्री राम ने ताड़का वध में किया था। आपको बता दें कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से जन्मी ताड़का के भीतर 100 हाथियों जितना बल था, जिससे आप भी उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तव में ताड़का को अगस्त मुनि ने श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ताड़का का रूप कुरूप में परिवर्तित हो गया। अपना ये रूप देख क्रोधित राक्षसी ताड़का ने बदले की भावना से मुनि के आश्रम को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। ताड़का एक यक्षिणी थी जो आश्रम के ऋषि मुनियों को अपना शिकार बनाने लग गई थी। मुनि के लिए ताड़का की इन मायावी शक्तियों का सामना करना आसान नहीं था। फिर उन्होंने मदद के लिए रघुवंशी राम को याद किया और अपनी व्यथा कही। पहले तो श्री राम ने ताड़का के एक राक्षसी होने के साथ स्त्री होने के कारण उसके वध से आशंका जताई, परंतु उसके पश्चात वो स्थिति को समझ ताड़का से सामना करने उसके समक्ष पहुंचे। भगवान राम के पराक्रम से अनजान ताड़का ने श्री राम को खाने की धमकी दी, परंतु जब युद्ध हुआ तो उसे धीरे धीरे भगवान राम के तेज का ज्ञान होने लगा और अंत में उसका वध श्री राम के वज्र अस्त्र से हुआ। दूसरा अस्त्र जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका संबंध दशानन अर्थात रावण के वध से है और वो अस्त्र है अग्नि अस्त्र। इस प्रसंग के बारे में आपने भी सुना होगा। जब श्री राम रावण से रणभूमि में युद्ध कर रहे थे, तब श्री राम द्वारा प्रहार किया गया हर एक वाण व्यर्थ जा रहा था, क्योंकि श्री राम वाण से रावण के जिस मुख पर प्रहार कर रहे थे उसके कटने के पश्चात नया मुख आ जाता। ये देख श्री राम भी समझ गए कि इन साधारण वाणों से रावण का वध असंभव है। तभी विभीषण ने रावण की नाभि में अमृत कुंड की बात बताई, जिसका ज्ञान होते ही भगवान श्री राम ने अग्नि अस्त्र का संधान किया। ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने रावण के नाभि में स्थित अमृत कुंड को भस्म कर दिया और रावण का वध संभव हो पाया। तीसरा है वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र अस्त्र की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान श्री राम सीता के स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे और वहां मौजूद कोई भी राजकुमार भगवान शिव के वरदान से निहित उस धनुष को तोड़ नहीं पाया। तब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को भंग कर माता सीता को स्वयंवर में जीत लिया, परंतु इसके साथ किसी के अहंकार को भी बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। जी हाँ, हम यहाँ परशुराम जी की ही बात कर रहे हैं। शिव धनुष भंग होने की सत्यता को अपना ना पाने के कारण परशुराम क्रोध से लाल हो श्री राम से युद्ध करने उनके समक्ष पहुंच गए, परंतु श्री राम के आदर वचनों ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें श्री राम के विष्णु अवतार का ज्ञान हुआ। तब अपनी भूल का ज्ञान होते ही उन्होंने श्री राम को अपना धनुष देकर कहा, यदि तुम इस दिव्य विष्णु धनुष पर एक दिव्यास्त्र का संधान करोगे तो मैं आश्वस्त हो वापस लौट जाऊंगा। ये सुन श्री राम उस विष्णु धनुष पर वैष्णवास्त्र का संधान करते हैं।
परंतु उसके संधान के पश्चात श्री राम परशुराम से पूछते हैं, हे प्रभु, ये अस्त्र कभी भी विफल नहीं जाता, अतएव मैं इसे किस दिशा में चलाऊं? तब परशुराम कहते हैं, राम, तुम इसे मेरे द्वारा अर्जित पुण्य लोकों की तरफ अर्थात पूर्व दिशा की ओर चलाओ, ताकि ये मेरे क्रोध और अहंकार को शांत करने में सहयोगी हो। आइए अब बात करते हैं भगवान राम के चौथे दिव्य अस्त्र की। तो मित्रों, जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको राक्षसी ताड़का के महर्षि मुनि के उत्पाद के बारे में बताया था, दरअसल इस उत्पाद में वो अकेली नहीं थी, ताड़का का पुत्र मारीच भी उसके साथ था, जो ताड़का का श्री राम के विरुद्ध युद्ध में साथ दे रहा था। तत्पश्चात सर्वप्रथम उससे छुटकारा पाने के लिए श्री राम ने मानवास्त्र से मारीच पर प्रहार किया। श्री राम द्वारा संधनित इस वाण की ये खासियत थी कि ये वाण शत्रु को रणभूमि से बहुत दूर ले जाकर पटक देता था, जिससे शत्रु रणभूमि से दूर भी हो जाता था और उसका वध भी करने की आवश्यकता नहीं थी। आइए बात करते हैं प्रभु श्री राम के पांचवें दिव्य अस्त्र की अर्थात ब्रह्मास्त्र की। जी हाँ, ग्रंथों और पुराणों में वर्णित सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र को श्री राम का मुख्य और सबसे सशक्त अस्त्र माना जाता है। आइए जानते हैं श्री राम से संबंधित ब्रह्मास्त्र के बारे में। जिन्होंने रामायण की गंभीरता को पढ़ा है, वे लोग जानते होंगे कि अपने जीवन काल में राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कई बार किया है, जिसमें से एक बार जब श्री राम 14 साल की अवधि के लिए वनवास पर थे, उस दौरान इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप ले माता सीता पर दो बार चोंच मारी। इससे क्रोधित हो राम ने घास के तिनकों को ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित कर उस कौवे पर चला दिया। ब्रह्मास्त्र ने पूरे ब्रह्मांड में उस कौवे का पीछा किया, परंतु जब इंद्र ने प्रभु श्री राम से निवेदन किया, तब इंद्र का आग्रह मान श्री राम ने उनसे पूछा, परंतु हे राजन, ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं जाता। फिर सोच विचार कर उस ब्रह्मास्त्र को कौवे की आंख की ओर मोड़ा गया। इसके बाद भी जब समुद्र ने जाने के लिए रास्ता देने से इनकार कर दिया था, तब समुद्र सुखाने के लिए राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। इसके अतिरिक्त श्री राम ने युद्ध के दौरान रावण के भाइयों खर और दूषण और उनके साथ मौजूद 14,000 सेना के सेनानियों को पराजित करने के लिए किया था, और चौथी बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग श्री राम ने रावण को मौत के घाट उतारने के लिए युद्ध के दौरान किया था। अब बात करते हैं श्री राम के छठे अस्त्र पाशुपतास्त्र की। पाशुपतास्त्र एक बहुत ही अद्भुत अस्त्र था। ये अस्त्र महाभारत और रामायण दोनों ही कालों में मौजूद था, परंतु दोनों कालों में इसकी शक्तियों में विविधता थी। दूसरे शब्दों में कहें तो महाभारत काल की अपेक्षा रामायण काल में पाशुपतास्त्र ज्यादा अद्भुत और शक्तिशाली था। श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान महर्षि विश्वामित्र से हुआ था। इस अस्त्र की खासियत ये थी कि जब भी पाशुपतास्त्र का आह्वान किया जाता था, ये हर बार अलग रूप में प्रत्यक्ष होता था और अपने साथ अनेकों पराशक्तियों जैसे कि विचित्र आत्माएं और दैत्य को भी साथ लाता था। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए बात करते हैं श्री राम द्वारा संधान किए गए सातवें अस्त्र की, जिसका नाम है गंधर्वास्त्र। गंधर्व अस्त्र वास्तव में बहुत ही विचित्र अस्त्र था, जिसकी शक्ति उसके धारण करने के तरीके अर्थात कला पर निर्भर करती है। गंधर्व अस्त्र का विवरण महाभारत और रामायण दोनों काल में अलग अलग है। रामायण की बात करें तो इस वाण का ज्ञान श्री राम और रावण दोनों को ही था। श्री राम को इसका ज्ञान महर्षि विश्वामित्र से हुआ था। गंधर्व अस्त्र के ज्ञान से धारण करने वाला उसे अति गतिमान बनाने की क्षमता रखता था, इतना गतिमान कि युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को ये भी पता नहीं चलता कि आखिरकार वाणों की वर्षा किस दिशा से हो रही है। गंधर्व अस्त्र का संधान श्री राम ने रावण के खिलाफ युद्ध में तब किया था जब मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात रावण रणभूमि में आया था, लेकिन वो अकेला नहीं था, अपने साथ राक्षसों की अत्यंत विशाल सेना लेकर आया था। उस विशालकाय सेना को देख श्री राम ने गंधर्व अस्त्र का संधान किया और सेना में मौजूद 10,000 रथ, 18,000 हाथी और दानवों का वध एक अस्त्र से संभव कर दिखाया। आइए अब आपको बताते हैं आखिरी अस्त्र और श्री राम के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में, जिसके संधान को देखने के लिए देवी देवता भी एकत्रित हो गए थे। इस अस्त्र ब्रह्मास्त्र का एक अलग रूप था। रावण से युद्ध के दौरान जब रावण ने श्री राम को छलने के लिए एक अद्भुत माया रची और एक साथ अनेकों अस्त्रों से श्री राम पर आक्रमण किया, तब श्री राम ने इस वाण का संधान किया और अपने तरकश से एक स्वर्ण के पंखों वाला तीर निकाला और उसे विभिन्न मंत्रों से अभिमंत्रित किया, जिसमें ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्म दंड के अभिमंत्रण शामिल थे। इस अभिमंत्रित और ब्रह्मास्त्र के इस अनूठे रूप को देखने सभी देवी देवता और दानव जिज्ञासा से एकत्रित हुए। जब श्री राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र के इस अनूठे रूप को चलाया तो वहां उपस्थित सभी समझ गए कि यही रावण का अंत है, और ऐसा ही हुआ, रावण का
अंत हो गया। तो मित्रों, ये थे राम के कुछ प्रचलित अस्त्र शस्त्र, जिनकी जानकारी आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं होगी। और आपको भगवान राम के इन वर्णित अस्त्रों में से सबसे अद्भुत और पसंदीदा अस्त्र कौन सा है, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ऐसे ही श्री राम के किसी और अस्त्र के बारे में आपको पता है जिसका वर्णन हमारी इस वीडियो में नहीं है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।